हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक है इसमें, जो पहली इम्पोर्टेंट टर्म है वो इकोलॉजी की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे एग्जाम में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें टेम्परेचर एक फैक्टर से एबायोटिक फैक्टर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है यूराई थर्मल और स्टेनो थर्मल। ये दोनों ही जो टर्म्स है ये इम्पोर्टेंट है, इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाटर में भी सेम वही है, एक तो हाइपरसैलाइन होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, और यूराई हेलाइन स्टेनो हेलाइन, ये दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, और ना ही ये सोइल इतना इम्पोर्टेंट है। रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये डायग्राम दिया हुआ है कॉन्फॉर्मर्स का, रेगुलेटर्स का और पार्शियल रेगुलेटर्स का। जो ये ग्राफ है ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें एक टर्म है होमियोस्टेसिस, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। और ये रेगुलेट, कॉन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड, ये जो टर्म्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, इनसे तीन नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके बारे में लिखना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अडेप्टेशंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे तीन नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसमें अडेप्टेशन की जो डेफिनेशन ये पूछी जा सकती है, या फिर इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है उसमें एलेंस रूल, ये इम्पोर्टेंट है, दो नंबर के क्वेश्चन में एलेंस रूल पूछा जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एल्टीट्यूड सिकनेस। सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें ये इससे क्वेश्चन हर बार आता है, एल्टीट्यूड सिकनेस के जो सिम्टम्स हैं और इससे कैसे बचा जाता है, बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और ब्रीथिंग रेट बढ़ाकर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे तीन नंबर का क्वेश्चन इस पैराग्राफ से जरूर आता है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, इसमें जो ये डायग्राम है, एज पिरामिड्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं, इनसे तीन या चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक्सपेंडिंग का जो ये पिरामिड्स हैं, स्टेबल और डिक्लाइनिंग का पिरामिड्स, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, नेटेलिटी, मोर्टलिटी, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन की जो ये डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है, और जो ये इक्वेशन दी गई है ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये ग्रोथ मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दे रखा है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कर्व्स इम्पोर्टेंट है और जो इनकी इक्वेशन है ये इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो लॉजिस्टिक ग्रोथ की जो ये क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस में जो ये टेबल दी गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस टेबल में ये टेबल भी पूछी जा सकती है। और जो ये प्रीडेशन है, इसमें किसको फ़ायदा होता है किसको नुकसान होता है ये पूछा जाएगा। और जो इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन और म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स इसकी वो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी जो ये पैरासिटिज्म हो गए और कंपटीशन हो गए, इनके जो डेफिनेशन है और एक दो एग्जाम्पल इनके इम्पोर्टेंट हैं। इसमें ये गोस कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, एक या दो नंबर में पूछा जा सकता है। लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है म्यूचुअलिज्म। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। ये नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें जो और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है इसमें,
पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा।